ज्ञानधारा चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। व्याख्याता भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र विषय इतिहास के भाग 37 तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। भाग 37 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य के बारे में। यदि आपने इस भाग को नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इस भाग को देख सकते हैं। आज भाग 38 के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन एवं शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नियमित तैयारी हेतु आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम प्रारंभ करते हैं आज का भाग। शिवाजी के प्रांतीय प्रशासन के बारे में यदि हम बात करें तो शिवाजी द्वारा विजित क्षेत्र पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ था। इसी क्षेत्र को मराठा अभिलेखों में स्वराज्य कहा गया है। ध्यान देना, मराठा स्वराज्य जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे ध्यान देना, मराठा अभिलेखों में उसे स्वराज्य ही कहा गया है। स्वराज्य प्रदेश का प्रशासन सीधा शिवाजी के हाथों में था। स्वराज्य प्रांतों में विभक्त था, अर्थात प्रशासन के दृष्टिकोण से स्वराज्य को प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों को फिर प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया था, परगनों में और तालुक में। ध्यान देना, प्रांत परगने और तालुक इन दो भागों में बटा हुआ था। परगनों को फिर दो भागों में विभक्त किया गया था, तरफ और मौज, ये परगने के दो भाग थे। प्रांतों के कार्यभार को संभालने के लिए शिवाजी ने सूबेदार और कारकुनों की नियुक्ति कर रखी थी। इनसे एक प्रश्न बनना सुनिश्चित है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखना है। प्रांतों का जो प्रमुख होता था उसे सर सूबेदार कहा जाता था। सर सूबेदार का कार्य सूबेदार के कार्यों की देखभाल करना था। परगनों का जो प्रमुख होता था उसे मामलातदार कहा जाता था। शिवाजी के शासनकाल में अधिकारियों को जो वेतन देने की परंपरा थी वह नगद थी, अर्थात अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। इसी के साथ शिवाजी के शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, कार्य था, वह था जागीरदारी प्रथा को समाप्त करना। शिवाजी के शासनकाल में जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। स्वराज्य प्रशासन को यदि हम देखें तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। रैयतवाड़ी जो प्रथा थी इसके प्रतिपादक थे मलिक अंबर। अहमदनगर के जो शासक थे मलिक अंबर, वो इस रैयतवाड़ी प्रथा जो थी इसके प्रतिपादक थे। इस रैयतवाड़ी प्रथा के बारे में यदि हम चर्चा करें तो रैयतवाड़ी जो प्रथा थी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यही थी कि इसमें किसानों से सीधा संपर्क किया जाता था, अर्थात इसमें कोई मध्यस्थ या बिचौलियों की सहायता नहीं ली जाती थी। शिवाजी ने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को बंद करके और भूमि पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण किया, अर्थात शिवाजी ने लगान लेने की जो परंपरा थी उसमें ठेके प्रथा को बंद करके और भूमि का पैमाइश करना शुरू कर दिया। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर नई पद्धतियों का प्रयोग किया और वो थी काठी और मानक छड़ी। इनसे भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इनको जरा ध्यान से देखना है। ध्यान देना, 20 काठी में एक बीघा होता था और 120 बीघा में एक चंवर होता था, यह पैमाइश के पैमाने थे शिवाजी के शासनकाल में। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग, ध्यान देना, 1/3 जो जो भाग था वो रेवेन्यू के रूप में, कर के रूप में, टैक्स के रूप में वसूला जाता था, लेकिन इसे बाद में बढ़ा करके 40% अर्थात 2/5 भाग कर दिया गया। इसका कारण यही था क्योंकि इसके बदले स्थानीय जितने भी कर और चुंगी थी उनको माफ कर दिया गया और केवल एक ही कर रख लिया गया और वो 40% कर दिया गया। शिवाजी के राज्य क्षेत्र में मुद्रा के रूप में रुक्का प्रचलित था। रुक्का
यह तांबे का एक सिक्का था, यह प्रचलित था मुद्रा के रूप में। राजस्व निर्धारण हेतु शिवाजी ने अपने राज्य को 16 प्रांतों में बांट रखा था और फिर प्रांतों को तर्फ और मौजों में बांट रखा था। तर्फ जो था, तर्फ के जो प्रधान नियुक्त किए गए वो कारकुनों को नियुक्त किया गया, कारकुनों की नियुक्ति तर्फ में की गई। गांव का एक पैतृक राजस्व अधिकारी भी होता था जिसे पाटिल कहा जाता था। पाटिल गांव का एक पैतृक अधिकारी होता था, राजस्व अधिकारी। और जिले के अधिकारी को देशमुख या देश पांडे कहा जाता था। जिनका भूमि पर पैतृक अधिकार होता था उन्हें मीरा शदार कहा जाता था। ध्यान देना, इनसे यही प्रश्न बन सकते हैं, देशमुख क्या है, मीरा शदार क्या है, ये थोड़े प्रश्न इससे बन सकते हैं। शिवाजी के आदेश पर विस्तृत भू सर्वेक्षण कराया गया और ये अन्नाजी दत्तों द्वारा किया गया। अन्नाजी दत्तों के द्वारा यह विस्तृत भू सर्वेक्षण 1679 ईस्वी में किया गया। शिवाजी के यदि आय के स्थायी साधनों की बात करें तो शिवाजी के आय के स्थायी साधन थे भूमि कर और व्यापारिक कर। ये कर सेना की आय के लिए पर्याप्त नहीं थे, इसलिए शिवाजी द्वारा और भी कर लगाए गए और ये कर थे चौथ और सरदेशमुख। ये दो नए कर शिवाजी द्वारा और लगाए गए थे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं चौथ के बारे में कि चौथ क्या है। चौथ विजित राज्यों में तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा के लिए रेवेन्यू टैक्स वसूला जाता था, जिसमें किसी तीसरे आक्रमणकारी से उसकी रक्षा की गारंटी दी जाती थी। यदि सरदेश मुख की बात करें तो सरदेश मुख प्रजा के वंशानुगत सरदेश मुख होने के नाते उनसे वसूला जाता था और सरदेश मुख के रूप में कुल उपज का 10% भाग लिया जाता था। न्याय प्रशासन की बात करें शिवाजी के, तो शिवाजी के शासन में गांव के मामलों की जो सुनवाई करता था उसे पटेल कहा जाता था। पटेल गांव में न्यायाधीश का काम करता था। न्यायाधीश अधिकांशतः ब्राह्मण वर्ग के ही होते थे। अपील करने की जो अंतिम अदालत होती थी वो होती थी हाजिर मजलिस, अर्थात आज का सुप्रीम कोर्ट शिवाजी के प्रशासन का हाजिर मजलिस था। लेकिन शिवाजी के मृत्यु के बाद में इस हाजिर मजलिस को समाप्त कर दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं शिवाजी के सैनिक प्रशासन के बारे में। शिवाजी की सेना में दो तरीके के सैनिक होते थे, एक तो पैदल और एक घुड़सवार। घुड़सवार जो सैनिक होते थे वो दो प्रकार के होते थे, बरगीर और सिलेदार। ध्यान देना, पैदल और घुड़सवार। घुड़सवार की बात करें तो बरगीर और सिलेदार। अब बरगीर क्या है, जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े व अस्त्र दिए जाते थे वे बरगीर कहलाते थे और जो घोड़े अस्त्र स्वयं लेकर आते थे वे उन्हें सिलेदार कहा जाता था। ये थोड़े प्रश्न है जो थोड़ा परीक्षा उपयोगी दृष्टिया महत्वपूर्ण है। अश्व सेना जो होती थी, घोड़े की जो सेना होती थी वह पागा कहलाती थी। अश्व सेना को पागा कहा जाता था। मराठा सैन्य व्यवस्था में किले महत्वपूर्ण थे क्योंकि किलों की सुरक्षा हेतु ही निम्न अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी। ये थे हवलदार, सरे नौबत और सविनस हवलदार। इनकी नियुक्ति किले की सुरक्षा के लिए ही कर रखी थी। हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था देखता था जबकि सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था। सविनस का कार्य था किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार और भंडार की देखरेख करना। अब बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में और वो है 5000। ध्यान देना, पहले हम काफी चर्चा कर चुके हैं कि इसे 4000 का मनसब प्रदान कर रखा था, इसे 5। ये मनसब है क्या, इनको देख लेते हैं। 1000 का अर्थ था 1000 के नीचे 10 जुमलेदार होते थे, 1 जुमलेदार के नीचे 5 हवलदार होते थे, 5 हवलदार के नीचे 1 हवलदार होता था। ध्यान देना, 1 जुमलेदार के नीचे 5 हवलदार होते थे, जो 1 हवलदार होता था उसके नीचे 25 अश्वारोही सैनिक होते थे।
तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक हजारी के पास कुल कितने अश्वारोही होंगे। तो अब इसको आप 5 से गुणा कर लेना, वही हो जाएगा 5,000। अर्थात एक हजारी के नीचे 10 जुमलेदार होते थे, एक जुमलेदार के नीचे 5 हवलदार और एक हवलदार के नीचे 25 अश्वारोही। तो कहने का अर्थ है एक जुमलेदार के नीचे कुल 125 अश्वारोही होते थे और एक हजारी के नीचे कुल मिलाकर के 1,250 अश्वारोही होते थे। अब 1,250 अश्वारोही को 5 से गुणा कर लो, ये 5,000 के मनसबधारी के पास में होते थे। समस्त अश्व सेना जो होती थी उसका प्रधान सरे नौबत कहलाता था। ये थोड़ी टिक कर लेना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं। सरे नौबत अश्व सेना का प्रधान होता था। शिवाजी ने मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया। शिवाजी की नवीन जो युद्ध प्रणाली थी वह थी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली और बर्गीगिरी। ये शिवाजी की ही देन थी, इसको थोड़ा महत्वपूर्ण देखना है। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली मलिक अंबर से ही सीखी थी। कौंकोण पर कब्जा जमाने के बाद शिवाजी ने एक नौसेना का गठन भी किया था। जहाजी बेड़े की स्थापना शिवाजी द्वारा कोलाबा में की थी। टिक करना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इससे। कोलाबा जहां पर जहाजी बेड़े की स्थापना शिवाजी द्वारा की गई थी। नौसेना का जो प्रमुख होता था उसे सरखेल कहा जाता था। यह शिवाजी के प्रशासन की व्यवस्था थी। अब हम बात कर लेते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। शिवाजी के उत्तराधिकारियों की चर्चा करें तो उनमें शंभाजी, राजाराम, शिवाजी सेकेंड और शाहू प्रमुख हैं। शंभाजी 1680 से 89 तक मराठा साम्राज्य के शासक रहे। राजाराम इसके बाद 1689 से 1700 तक, शिवाजी सेकंड 1707 तक और शाहू 1707 से 1748 तक मराठा साम्राज्य के शासक रहे। संभाजी की बात करें जो इसलिए चर्चित रहे क्योंकि इन्होंने अष्टप्रधान का विघटन कर दिया। संभाजी शिवाजी के पुत्र थे जिनमें उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। ध्यान देना, शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी और राजाराम, इन दोनों में ही उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। बड़ा पुत्र संभाजी था जो कि साईं भाई निम्बालकर से पैदा हुआ था और छोटा पुत्र जो था वो शिवाजी की मृत्यु के समय मात्र 10 वर्ष का था और वो था राजाराम। राजाराम सायराबाई से पैदा हुआ था, इसकी मां का नाम था सायराबाई। तो राजाराम जो थे इसकी मां का नाम था सायराबाई। शिवाजी द्वारा संभाजी को पन्हाल दुर्ग में कैद कर दिए जाने पर सायराबाई ने राजाराम का राज्याभिषेक अप्रैल 1680 ईस्वी में रायगढ़ दुर्ग में करवा दिया। किलेदार की हत्या करके संभाजी वापस सिंहासन पर जुलाई 1680 ईस्वी में बैठ गया। राजाराम वह सायरा को कैद करके और अपने खुद का राज्याभिषेक जनवरी 1681 में संभाजी ने करवा लिया। संभाजी ने अपने सामंतों को दरकिनार कर अपना सलाहकार व प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कवि कलश को नियुक्त किया। कवि कलश ये कन्नौज के रहने वाले ब्राह्मण थे। औरंगजेब का बागी पुत्र जिसको संभाजी ने जून 1681 में शरण दी वो था अकबर। औरंगजेब ने इसीलिए संभाजी की हत्या मार्च 1689 में करवा दी। रायगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर उसमें संभाजी की रानी और पुत्र, ध्यान देना, येसुबाई और शाहूजी, इन दोनों को कैद करवा दिया गया। रायगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेने के बाद में संभाजी की रानी और उसके पुत्र को। अब देखते हैं राजाराम के बारे में। राजाराम का राज्याभिषेक फरवरी 1689 में रायगढ़ दुर्ग में ही किया गया। 1689 ईस्वी में मुगलों के आक्रमण की आशंका से राजाराम रायगढ़ छोड़कर के जिंजी चला गया। जिंजी मराठा साम्राज्य की राजधानी 1689 से 1698 तक रहा था। जिंजी के बाद 1699 में मराठों की दूसरी राजधानी बना सतारा। अंत में राजाराम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हो गई और इसके बाद में शासक बने शिवाजी सेकेंड। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी जिसने अपने 4 वर्षीय पुत्र को गद्दी पर बैठाया वो थी ताराबाई। ये प्रश्न पूछ सकते हैं।
ताराबाई के पुत्र को ध्यान देना शिवाजी सेकंड के नाम से गद्दी पर बिठाया गया। ताराबाई ने मुगलों से रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़, इन किलों को बाद में फिर जीता। अब हम बात कर लेते हैं शाहू के बारे में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जिसने शाहू को कैद से मुक्त कराया वो था आजम शाह। और आजम शाह ने शाहू को मई 1707 ईस्वी के अंतर्गत मुक्त किया। ताराबाई व शाहू जी के मध्य खेड़ा का युद्ध अक्टूबर 1707 ईस्वी में लड़ा गया। शाहू जी बाद में बालाजी विश्वनाथ की सहायता से विजयी हुए और शाहू ने सतारा पर 1708 में अपना अधिकार कर लिया। अब मराठा राज्य दो राज्यों में विभक्त हो गया, सतारा और कोल्हापुर। सतारा के प्रमुख शाहू जी बन गए और कोल्हापुर के प्रमुख शिवाजी सेकंड अर्थात ताराबाई के अंडर में शिवाजी सेकंड के पास चला गया। शिवाजी सेकंड की बात करें तो शिवाजी सेकंड की मृत्यु के बाद राजा राम का जो दूसरा पुत्र गद्दी पर बैठा वह था संभाजी सेकंड। सतारा कोल्हापुर के मध्य वारना की संधि 1731 में हुई। ये थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, वारना की संधि ये सतारा और कोल्हापुर के बीच हुई थी 1731 में। शाहू जी ने 1708 में सेना करते अर्थात सेना के व्यवस्थापक का पद बालाजी विश्वनाथ को प्रदान कर दिया। अंततः 1713 ईस्वी को बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया। बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के बाद पेशवा पद बहुत शक्तिशाली होता चला गया और छत्रपति नाम मात्र का शासक रह गया। राज्य की वास्तविक शासक का पेशवा होने लगे और शाहू ने अपना राज्याभिषेक सतारा में 1708 ईस्वी में करवाया। पेशवा का पद पहले पेशवा के साथ में ही अब वंशानुगत भी होने लगा। तो इस प्रकार से ये शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में हमने चर्चा की। यह भाग अब यहीं समाप्त होता है। आगे के भाग में हम पढ़ेंगे 39वें भाग में पेशवाओं के काल में मराठा शक्ति के बारे में। यदि आप नियमित रखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही आप हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।